गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। मैं आपके सामने धीरज कुमार सिंह। आज हम लोग चैप्टर वन का ही डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि क्लास एट का सब्जेक्ट मैथ है, जो कि हम लोग का आज पढ़ने वाले हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ रिएशनल एडिशनल ऑफ ए रिएशनल नंबर, यानी कि किसी भी रिएशनल नंबर का अगर हम लोग एडिशन करेंगे वो कैसे करते हैं, तो उसके बारे में कुछ प्रॉपर्टियाँ हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग जितने भी एक्सरसाइज थे वो पढ़ चुके हैं। अब आते हैं कि सर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। ओके देन, तो सबसे पहले हम लोग का रेशनल नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं और उसका एडिशन करने के लिए जो प्रॉपर्टियाँ होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर वन, यानी कि बोलेंगे सर प्रॉपर्टी नंबर वन क्या होती है सर, क्लोजर्स लॉ। ठीक है, क्लोजर्स प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं या लॉ भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज। अब देखो क्लोजर्स प्रॉपर्टी क्या होती है, तो बता रहा है सर कभी भी कोई भी दो रिएशनल नंबर को अगर सम करते हैं तो लिखेंगे द सम ऑफ टू रिएशनल नंबर। ठीक है, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर, रेशनल नंबर नंबर्स इज ऑलवेज रेशनल नंबर। ओके, क्या कहता है, रेशनल नंबर्स। अब बता रहा है कि कभी भी दो रेशनल नंबर को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो वो एक रेशनल नंबर ही आएगा। फॉर एग्जांपल सर देखेंगे, अगर हम लोग का 2/3 प्लस 4/5 रहेगा, तो इन दोनों रेशनल नंबर को अगर ऐड कर रहे हैं तो हम लोग दोनों का अगर सॉल्व करेंगे ना, तो वो भी जो भी वैल्यू आएगा वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो कैसे सर सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कैसे करेंगे वो भी देखना है कि सबसे पहले हम लोग का डिनोमिनेटर क्या है, 5 और 3 है। ठीक है, तो 5 और 3 को अगर एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे एलसीएम ऑफ 5 and 3 and 5 इज 15 होगा। एलसीएम कितना हो गया सर, 15 हो गया। अगर जैसे 15 हो गया तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला क्या है, 2/3 इंटू इसका सभी, यानी कि फर्स्ट पार्ट का डिनोमिनेटर हम लोग को 15 लाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर, 5/5 से, तभी तो हम लोग का 5 2 10/15 आएगा। यस, एंड दूसरा क्या है सर, 4/5 इंटू किससे साथ करेंगे तो हम लोग का 15 आ जाएगा, तो 3/3 से, तो यहाँ पे 4 3 12 एंड 5 3 15। अब देखो दोनों में हम लोग का सेम आ गया, तो क्या हो गया सर, 10/15 प्लस 12/15, तो ऑलरेडी हम लोग का पास कितना आ गया, इतना आ गया। तो इसको अगर सॉल्व करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा सर, 15 और यहाँ पे 10 प्लस 12 इक्वल टू हम लोग का क्या होगा, 22/15। 22/15 इज द राइट आंसर, बट इट आल्सो रिएशनल नंबर, तो हम लोग बोल सकते हैं 22/15 इज आल्सो रिएशनल नंबर। ओके, तो ये हम लोग का है फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसका नाम है क्लोजर्स लॉ। ओके यस, ओके, अब देखते हैं कि हम लोग सर प्रॉपर्टी नंबर टू, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि सर टू रिएशनल नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। अगर कोई भी दो रिएशनल नंबर मान लेते हैं कि अगर ए बाई बी एंड सी बाई डी है, अब इन दोनों को अगर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एनी ऑर्डर में अगर लेते हैं वो दोनों इक्वल होना चाहिए। सो क्या होना चाहिए सर, देखो ए बाई बी प्लस सी बाई डी इक्वल टू सी बाई डी प्लस ए बाई बी, ये दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए सर, सेम होना चाहिए। अगर इस कंडीशन में आ रहा है तो ये हम लोग का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, अगर नहीं आता है तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर लेना चाहेंगे सर, तो देखिए यहाँ पे अगर लेंगे 2/3 प्लस क्या लेंगे, 4/3। ठीक है, अब ये हम लोग को लिए हैं दोनों एक तरह का, हम लोग का कि मान लिए कि ए 3/2/3 एंड 4/3 आर टू रेशनल नंबर एंड इतना प्लस 4/3 प्लस 2/3। अब देखेंगे दोनों ही हम लोग क्या है, दोनों अलग अलग ऑर्डर में ऐड कर रहे हैं, दोनों का वैल्यू हम लोगों को क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। क्या आएगा इसका एलसीएम लेंगे तो 3 2 प्लस 4 इक्वल टू, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 प्लस 2 आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे 6/3 इक्वल टू 6/3 आएगा, तो 3 2 जा 6 कट जाएगा, 3 2 जा 6, यानी कि सर 2 इक्वल टू 2। तो अब देखो हम लोग का यानी कि LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, यानी कि प्रूफ है,
यानी कि इसका वैल्यू हम लोग का दोनों का क्या है, सेम आ रहा है। तो सो जब दोनों सेम आ रहा है तो ऑब्वियसली सर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फ्लो करता है, तो ये हम लोग का कम्यूटेटिव फ्लो रूल लॉ को क्या करता है, फ्लो करता है। तो यही हो गया हम लोग का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे बोलेंगे सर कि ये क्या था सर हम लोग का, 2/3 एंड 4/3 आर रेशनल नंबर, ओके रेशनल नंबर्स। तो ये रिलेशनल नंबर था जिसको हम लोग एनी दो ऑर्डर में ऐड किए, जिसका एल एच एस एंड आर एच एस वैल्यू क्या हो गया, इक्वल हो गया, वो हम लोग का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया। ओके ओके, नाउ लेट्स सी प्रॉपर्टी नंबर 3, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ। विल एडिंग 3 रेशनल नंबर्स दे कैन बी ग्रुपेड इन एनी ऑर्डर। ओके, अगर हम लोग मान लेते हैं कि सर कोई भी लेट मान लेते हैं कि लेट मान लेते हैं ए बाई बी एंड सी बाई डी एंड ई बाई एफ आर 3 रेशनल नंबर, ओके 3 रेशनल नंबर्स। ओके देन अब हम लोग को बता रहा है कि अगर ये तीनों रेशनल नंबर है, अगर इसको हम लोग कोई भी ग्रुपेट करेंगे, बट कोई भी ऑर्डर में, एनी ऑर्डर, ग्रुपेड इन एनी ऑर्डर, तो क्या करते हैं सर, ए बाई बी प्लस सी बाई डी एंड इसको बाहर कर देते हैं और इसको ई बाई एफ को हम लोग, मतलब इन दोनों को अंडर में कर देते हैं, ई बाई एफ को बाहर कर देते हैं, इक्वल टू एंड ए बाई बी को हम लोग इन दोनों में से किसी एक को बाहर करते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, सी बाई डी प्लस ई बाई एफ को अंदर कर लेते हैं। तो ये दोनों देखो अलग अलग ऑर्डर में है, यस। तो दोनों जब अलग अलग ऑर्डर में हो गया तो अब इसमें हम लोग को क्या करना है कि दोनों का वैल्यू सॉल्व करने के बाद अगर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ जाता है तो वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है, यस। तो फॉर एग्जाम्पल अगर लेना चाहेंगे तो हम लोग दे सकते हैं सर, इसका एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कैसे सर, देखिए अगर 1/2 ले लेते हैं, 1/2 एंड 2/ क्या लेंगे 3 एंड 3/4 ले लेते हैं, तो ये हम लोग का 3 रेशनल नंबर हो गया, आर 3 रेशनल नंबर, आर 3 रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। देन अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, 1/2 प्लस 2/3 प्लस क्या लेंगे यहाँ पे 3/4 इक्वल टू 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4, ओके। देन अब इन दोनों को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे सर, हम लोग जानते हैं कि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट के अंडर वाला काम करेंगे, तो दोनों तरफ हम लोग को ब्रैकेट के अंडर वाला काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों के एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 2 4, ओके प्लस 3/4 इक्वल टू यहाँ पे 1/2 हो जाएगा प्लस यहाँ पे भी हम लोग का दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा और यहाँ पे कितना होगा 8 प्लस यहाँ पे 9 होगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसी को यहाँ पे, तो क्या होगा सर 7/6 प्लस 3/4 ये हो गया इक्वल टू एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 1/2 प्लस यहाँ पे 17/12। अब देखो ये अलग अलग फिर हो गया तो दोनों का फिर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसका अगर एलसीएम लेंगे 4 और 6 का तो कितना होता है सर, यहाँ पे एलसीएम लेके देख लेंगे 4 एंड 6 का तो लेंगे तो क्या 3 एंड 2 2 3 या 6 6 2 या 12 तो 12 आया, 6 से 12 को डिवाइड देंगे तो 2 2 7 या 14 प्लस यहाँ पे 12 3 3 3 या 9, ओके इक्वल टू अब यहाँ पे भी क्या आएगा सर 12 भी आएगा और जब 12 आएगा तो यहाँ पे 6 होगा और यहाँ पे 17 ही होगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या 14 प्लस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हम लोग का 23/12 इक्वल टू यहाँ पे भी 23/12। तो देखो ये हम लोग का प्रूव हो गया एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो बस ये जो सिस्टम है ये सारे 3 रेशनल नंबर जो है ये हम लोग को एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी नंबर को, कोई भी मैथ को सॉल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ओके यस। ओके प्रॉपर्टी नंबर 4, एडिशन एडिटिव आइडेंटिटी, इसको हम लोग बोलेंगे सर एग्जिटिंग ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं। फॉर एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है सर, देखिए तो 0 इज द रेशनल नंबर, 0 क्या है एक रेशनल नंबर है,
सच दैट द सम ऑफ एनी रेशनल नंबर एंड जीरो, अगर जीरो और रेशनल नंबर के साथ कोई भी रेशनल नंबर के साथ ऐड करते हैं तो इज द रेशनल नंबर इटसेल्फ, यानी जीरो इज रेशनल नंबर इटसेल्फ हो जाता है। यानी कहने का मतलब सर जो नंबर है वो जीरो के साथ ऐड करेंगे तो वो रेशनल नंबर इटसेल्फ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे अगर लेना चाहेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं सर ए बाई बी प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस ए बाई बी करेंगे तो क्या होगा, ए बाई बी ही आएगा। कैसे सर, एग्जांपल यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये तो एग्जांपल नहीं दे सकते हैं, इसको हम लोग दैट इज कर सकते हैं, ठीक है। एंड एग्जांपल यहाँ देखो 2/3 प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस 2/3, इसको अगर ऐड करेंगे ना तो 2/3 ही आएगा, यही हम लोग का आंसर हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह का बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, जो हम लोग जीरो के साथ कोई भी नंबर को ऐड करेंगे तो वही नंबर हो जाती है। ओके यस। एंड अगर हम लोग यहाँ बोलेंगे तो दैट इज़ यहाँ पे लिख सकते हैं कि सर देयरफॉर जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ किसका, रेशनल नंबर का, रेशनल नंबर्स। ओके, रेशनल नंबर का क्या है सर, जीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। चलिए ठीक है, यहाँ से नोट कीजिए। ओके, अब एडिटिव यानी कि प्रॉपर्टी सर 5, अब लिखेंगे सर प्रॉपर्टी 5 क्या बता दे रहा है सर, एडिटिव इन्वर्स, प्रॉपर्टी नंबर 5 एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या होती है सर, ध्यान दीजिएगा, फॉर एनी रेशनल नंबर ए बाई बी, ये रेशनल नंबर एन ओ प्लेस ऑफ दिया है कि नंबर हो गया, ठीक है, ए बाई बी देयर एग्जिट्स ए रेशनल नंबर माइनस ए बाई बी सच दैट a बाई बी प्लस माइनस ए बाई बी इक्वल टू माइनस ए बाई बी प्लस ए बाई बी, यानी कि सर इस दोनों का ऑर्डर चेंज किए तो दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू देगा सर, जीरो ही देगा। यानी कहने का मतलब है कि इन्वर्स क्या होती है, तो अगर बोला जाए तो अगर किसी भी इन्वर्स बोलेंगे, एडिटिव इन्वर्स का मीनिंग होता है सर साइंस को चेंज करना, क्या होता है साइन चेंज करना होता है, बट यहाँ पे रेशनल नंबर बताए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बोल सकते हैं a बाई बी, ठीक है। अगर बोला जाएगा a बाई बी एडिटिव इन्वर्स ऑफ, क्या होगा एडिटिव, ऐसे भी बोल सकते हैं कि द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए बाई बी इज, ए बाई बी इज माइनस ए बाई बी। ओके, यानी ए बाई बी का इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस ए बाई बी हो जाएगा। अब दोनों इनवर्स को अगर हम लोग एक दूसरे को ऐड करते हैं तो क्या होता है, तो फॉर एग्जांपल लेंगे हम लोग तो यहाँ पे ले लेते डायरेक्ट एग्जांपल 2/3 प्लस ये हम लोग का है और इसी का इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, माइनस 2/3 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू माइनस 2/3 का इन्वर्स करेंगे तो क्या होगा, 2/3 होगा, यानी कि सर 2/3 का इन्वर्स किए तो माइनस 2/3, माइनस 2/3 का इन्वर्स किए तो 2/3। अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली 2/3 ये माइनस प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 2/3 हो जाएगा। उसी तरह से माइनस 2/3 यहाँ पे प्लस 2/3 सॉल्व करेंगे तो हम लोग का एलसीएम तो 3 ही आएगा, 2 - 2 इक्वल टू यहाँ पे माइनस 2 प्लस 2/3 सेम आएगा, तो यहाँ पे 0/3 इक्वल टू 0/3, तो ऑब्वियसली सर 0 ही आएगा ना, तो 0 ये हो गया क्या, प्रूव हो गया। तो कहने का मतलब है कि एडिटिव इन्वर्स यही बता रहा है कि सर जब अगर प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा वैल्यू, अगर माइनस में रहता है तो वो प्लस में हो जाता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ रेशनल नंबर। ओके चलिए, तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे कि सर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर का जो 5 प्रॉपर्टी पड़े सर, तो इसी के अकॉर्डिंग जितने भी मैथ है सर हम लोग को यहाँ देखना होगा, शो करना होगा और बनाना भी होगा, यानी ये 5 प्रॉपर्टी जो है फॉर इम्पोर्टेंट फॉर द दिस एक्सरसाइज। ओके, एंड हम लोगों को इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जितने भी पढ़े हैं, जितने प्रॉपर्टी पढ़े हैं, इससे आगे हम लोग का मैथ बनाएंगे सर, इसी के अकॉर्डिंग बनाना होगा। तो चलिए, आई होप कि आप लोग को ये सारे प्रॉपर्टियाँ समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज बनाएंगे, और आज के लिए यहीं तक। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू, टेक केयर।